हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। एक्स और वाई जो है एंगल्स, उनका सम जो है वो w और z के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ए ओ बी क्या एक लाइन है। देखो, अगर हम ए ओ बी एक लाइन हो जाएगी, या तो Z और W का सम जो है, दोनों का सम 180 डिग्री दिखा दें तो हो जाएगी ये लाइन, या फिर X और Y का सम 180 डिग्री दिखा दें तो ये एक लाइन हो जाएगी। अब देखते हैं, अब सॉल्यूशन में देखो, गिवन वैसे अगर हम लिखे हैं तो गिवन क्या दिया है अपने पास, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू W प्लस Z। एंगल X, ये एंगल्स हैं X प्लस Y। अब देखें यहां पे, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी एक लाइन है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। ए ओ बी एक लाइन है, ये अपने को प्रूव करना है। देखो अब यहां पे देखें तो पूरा, अगर पूरा सर्कल बना दें, पूरा सर्कल, तो कितना होगा 360 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w कितना होगा 360 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल x और y इक्वल है w और z के, तो z और w, अगर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं 180 डिग्री, तो हम क्या कर दें, z और w को रिप्लेस कर दें x और y से, क्योंकि ये इक्वल हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं। तो x और y को एज इट इज रखें और इनकी जगह क्या रख दें हम, x और x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल y, तो 2 को क्या ले लिया मैंने कॉमन, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से कितना आ गया, एंगल x प्लस एंगल y ये आ गया 180 डिग्री। और एंगल x और एंगल y क्या है, या लीनियर पेयर्स, क्या है लीनियर पेयर्स। तो देयरफॉर वी कैन से हियर, क्या कह सकते हैं हम, कि ए ओ बी इज ए लाइन, इज ए लाइन। ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। ओके स्टूडेंट्स।